उसने कहा यार वो कल्पना से चक्कर चल रहा है। प्रीति बोलती थी कि तेरी बराबर सुंदर कोई नहीं है, है? घरवाले बोलते हैं तेरी नाक बहुत अच्छी है, और वो स्कूल में बोलती थी तू लंबा बहुत है, साले तू बोल रहा कि डिलीट डिलीट। बताइए आंतरिक प्रेरित कर सकते हो कि नहीं आज के बाद? कोई नेगेटिव कर पाएगा? अरे जिस आदमी ने हमको बैठ के एक मिनट में नेगेटिव कर दिया, मेरा अस्तित्व तो क्या है फिर? मैं वैसे ही बना घूम रहा हूं 6 फुट का आदमी है? एक मिनट कंपनी भाग जाएगी। 10 पॉजिटिव बातें तुरंत सोचिए उसी क्षेत्र में, और बताओ कोई सवाल बताओ जल्दी से, डिलीट डिलीट, और मैं बोलता हूं उसके अच्छे प्रमाण आपको। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी 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 बताइए मुझे, मैं आपको प्रेरणा देने का स्रोत बता रहा हूं, जल्दी से अंदर से प्रेरित हो जाइए, तुरंत बताओ, जल्दी से बताइए कि सर मेरी टीम में पैकेज नहीं आ रहे हैं। कंपनी पर वीक पैकेज भेज रही है, 7,500 का पैकेट 6 साल से बिक रहा है, काले सूट इतने साल से बिक रहे हैं, हैं? सूट बदल नहीं रहे हैं, सूट पुज नहीं रहे कंपनी पे इतने बिक रहे हैं, हैं? फिर तू घबरा क्यों रहा है? सिक्योर लाइफ 11 साल से चल रही है, 10 लाख लोगों को जोड़ चुकी है ना? योगेश यादव देवेंद्र शर्मा जैसे 100 हो गए, है ना? 2 लाख रुपया पर वीक दे रही है ना? 10 बातें सोचने के बाद तुझे लगेगा कि साले ये बहुत जैसी नहीं है, ये अलग है कि नहीं? डिलीट डिलीट ध्यान रहेगा कि नहीं? एक पत्र पढ़ के बता रहा हूं, 1980 तक मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अच्छा ओरिएंटल फिल्म अभिनेता हो जाऊंगा और $10 मिलियन कमा लूंगा, इसके लिए मैं बहुत अच्छा अभिनय करूंगा जो मैं संभवतः कैमरे के सामने हर बार कर सकता हूं, इसके बाद मैं सद्भाव के साथ जीऊंगा। ब्रूस ली अपने आप को पत्र लिखा था 1970 में, 80 के लिए बात लिखी थी, 1970 में अपने आप को एक पत्र लिखा था, 1973 में ब्रूस ली की डेथ हो गई थी, 3 सालों के अंदर $10 मिलियन से ज्यादा संपत्ति का मालिक था। ओरिजिनल राइटिंग में लिखा हुआ पत्र लेके आया हूं मैं आपके लिए, हिंदी हिंदी सिर्फ मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आती। और ये यही पत्र है कि नहीं, ये दिखा दो, ये 10 लिख रहा है, 1980 लिख रहा है, 10 मिलियन लिख रहे हैं, साइन हो रहे हैं। क्या आपने आज से पहले अपने आप को क्या कोई ऐसा पत्र लिखा है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा? आप हमेशा कौन सा पत्र लिखते हो पता है? बताऊं राइटिंग में कि मेरी बीवी बोलती है तू जिंदगी में साले कुछ करेगा नहीं है, पड़ोसी बोलते हैं तेरा जिंदगी में कुछ होना नहीं है, है ना? माँ बोल रही है कि तू जब से पैदा हुआ है तब से कुछ हुआ नहीं है, है ना? और अपलायन बोल रहे हैं तेरा कुछ होगा नहीं, ये लिखते हैं। सफलता आदमी के अंदर 2 बार आती है, एक उसके दिमाग
एक वास्तविक। अगर आप कभी न्यूयॉर्क स्थित हॉलीवुड प्लैनेट जाएंगे तो आप भी ये लेटर देख सकते हैं। लेटर पर तारीख है 9 जनवरी 1970 और ब्रूस ली की मृत्यु हुई थी 1973 में। आपने कितनी बार अपने आप को कोई ऐसा पत्र लिखा है, कितनी बार कोई वादा किया है और उस संकल्प के पीछे जाने के लिए अपने आप को प्रेरित किया है? नहीं किया है अगर आज तक, तो क्या 5 साल के लिए एक पत्र लिख सकते हो कि नहीं? मन चाही दौलत जो 5 साल में और डायमंड कमा चुके हैं, कम से कम उतनी लिख सकते हो कि नहीं? 5 साल उस पत्र के पीछे काम किया जा सकता है कि नहीं? और 5 साल जो सबसे बड़ी बात करनी है मेरी बात सुनने के बाद, 5 साल अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो कि नहीं? क्या 5 साल अपने बर्तन जो है पॉजिटिव रहने का, इसकी सफाई करने की जिम्मेदारी ले सकते हो कि नहीं? निगेटिव लोगों से दूर हटने की जिम्मेदारी ले सकते हो कि नहीं? लाल कच्छा पहन के सांड के पास ना जाने की जिम्मेदारी ले सकते हो कि नहीं? ले सकते हो? तो तीसरा पी आ गया है, जोरदार तालियां बजाइए। तीसरा पी यानी क्या? हमारे बिजनेस में परफॉर्मेंस की जरूरत है कि नहीं? कहां कहां परफॉर्म करते हैं हम लोग? ये क्या कर रहा हूं मैं? परफॉर्मेंस। प्लान देते हो तो आप क्या करते हो? ट्रेनिंग देते हो तो आप क्या करते हो? बात करते हो तो आप क्या करते हो? काम करते हो तो आप क्या करते हो? डीडी ज्यादा निकालते हो तो आप क्या करते हो? प्रदर्शन के बिना दुनिया में कुछ भी हो नहीं सकता है। हर जगह प्रदर्शन की जरूरत है कि नहीं, बताइए? yes. लेकिन यहां जो प्रदर्शन है सिक्योर लाइफ में, इस प्रदर्शन के इतना पीछे पड़ जाओ, इतना पीछे पड़ जाओ कि ये प्रदर्शन आपका बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए। और आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन हर बार आपसे होना चाहिए, खुद से। तो अब हम बात करेंगे कि कितना बेहतर तरासा गया है आपके भीतर का हीरा। तैयार हैं? yes. अभी तक हम बात कर रहे थे कैरेट की, और कैरेट में दो चीजें आती हैं, क्या क्या? एक पैशन, एक पॉजिटिव एनर्जी। पैशन के लिए हमने जुनून सीखा, जिंदगी में दीवानापन जब तक आप में नहीं है तब तक कुछ होगा नहीं। पॉजिटिव रहने के लिए डिलीट डिलीट, और 10 चीजें तुरंत सोचिए अच्छी जो आप उसके बारे में जानते हैं, आप तुरंत एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस करेंगे। कोई भी चीज दुनिया की, मैं सिक्योर लाइफ की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की किसी भी लेवल पर जब आप नेगेटिव हों, आप 10 अपने बारे में अच्छी बातें सोचना। मैं जब भी अपने आप को हतोत्साहित महसूस करता हूं तो मैं सोचता हूं कि बीवी मेरे पास है, बच्चे मेरे पास हैं, बढ़िया बिजनेस मेरे पास है, लाखों की इनकम मेरे पास है, मेरी खुद की गाड़ी है, मेरा खुद का मकान है, क्या बात हुई जो साला 50,000 का नुकसान हो गया? लाए क्या थे हम? था क्या हमारे पास? लेकिन किसी आदमी के 5,000 गिर जाए ना, शाम को आत्महत्या कर लेगा फांसी लगा के। पॉजिटिव रहिए हमेशा, रह सकते हैं? yes, एक ही व्यवहार को लगातार बनाए रखना और अलग परिणाम की उम्मीद करना। एनोनिमस नामक संगठन ने अल्कोहलिक्स यानी पागलपन को ऐसे ही परिभाषित किया है। पागलपन की परिभाषा क्या है? उसी काम को उसी अंदाज में करते रहो और अलग अलग परिणामों की उम्मीद करो। कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, डायमंड बन क्यों नहीं रहा हूं? प्लान तो दे रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा है कुछ? ट्रेनिंग में तो जा रहा हूं, बड़े बड़े चेक नहीं आ रहे। पागलपन है ये। क्या है? पागलपन। एक ही व्यवहार को लगातार बनाए रखना, अलग अलग परिणाम की उम्मीद करना, पागलपन परिभाषित किया गया है। अल्कोहलिस नाम बोलते हैं इसको। अगर आप पागलपन की परिभाषा कोई पूछे पागलपन क्या है, उसने कहा एक सा काम करते रहो, अलग जाने की उम्मीद करो, यही पागलपन है।
नौकरी करते रहो जिंदगी भर, करोड़पति बनने के सपने देखो, पागलपन है। साइकिल पे चलते रहो जिंदगी भर, पैडल मारते रहो, चंद्रमा पे जाने के ख्वाब देखो, पागलपन है। परिणाम तो बदलने पड़ेंगे ना, कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा ना उसके हिसाब से। तो इस बिजनेस में परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत है। डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, परीक्षक और जानकार, ये सब मान चुके थे इससे पहले कि 4 मिनट से कम में 1 मील की दूरी तय करना आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्या मान चुके थे डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, परीक्षक और जानकार, 4 मिनट से कम में 1 मील की दूरी तय करना असंभव है, ऐसे बोला था। हर खिलाड़ी ने इसे एक आदर्श रूप में स्वीकार कर लिया था, मगर रोजर बेनिस्टर ने नहीं किया था। 1954 की वह दौड़ जिसे एक चमत्कारी दौड़ माना गया, 3 मिनट 59 सेकंड और 4 पॉइंट सेकंड के, इसमें उसने 1 मील की दौड़ पूरी कर दी और उस रिकॉर्ड को जो कि सालों से बना आ रहा था अपनी परफॉर्मेंस के दम पर तोड़कर दिखा दिया। छह मई 1954 को, आज कितनी 4 मई है, समझ में आ रहा है? रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए परफॉर्म तो करो, क्यों? तो क्या ऐसी परफॉर्मेंस हम भी दिखा सकते हैं कि नहीं? हमने मान लिया है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही चलेगा, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे होता है, इतनी जल्दी होता नहीं है, ऐसे कुछ होता नहीं है, इतना बड़ा होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा होता है, धीरे धीरे होता है, हम उसी के चक्कर में लगे हैं और हम पागलपन के सिखा रहे हैं। एक ही व्यवहार को लगातार करना, अलग परिणामों की उम्मीद करना पागलपन की परिभाषा है। क्या है? अगर आप जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं आगे, तो आपको क्या करना होगा? आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी होगी। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, जिन्होंने मूंगफली के 325 उपयोगों की खोज की है, उन्होंने कहा था एक बार, 99% विफल वे लोग होते हैं जिन्हें बहाने बनाने की आदत होती है। जब मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं और मैं बहानों की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, तो इसका मतलब मैं लिख के दे सकता हूं ये बात, आदमी का परफॉर्मेंस सुधर ही नहीं सकता अगर बहाने का कीटाणु उसके अंदर है। मैं आपसे बोलूं कि आप ये काम करिए, आप बोल दोगे कि सर खांसी हो रही है, बहाना है ना। लोग बीमारी का बहाना बनाते हैं, लोग अपनी अशिक्षा का बहाना बनाते हैं, लोग तकलीफों का बहाना बनाते हैं, लेकिन जिनको सफल होता है उनके पास कोई भी बहाना नहीं है। या तो पैसे बना लो या तो बहाना बना लो, दो चीजों में से एक ही चीज बन सकती है, बताइए क्या बनाना है? तो फिर बहाने बनाना बंद कर दो, और बहाने बनाने हैं तो फिर इसकी चिंता करना बंद कर दो। सफलता की मंजिल पर चढ़ने के 4 चरण होते हैं। एक, अगर आप कल्पना कर सकते हैं, डायमंड बनने से पहले क्या डायमंड बनने की कल्पना करनी होगी कि नहीं? Yes! और वो अनुभव करना होगा ना, जो डायमंड आजकल हम लोग जो आपको लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, जो आपको आप हम पे फूल डाल रहे हो, ये सब चीजें हम आपको क्यों कर रहे हैं बार बार? क्योंकि तेरे मन में एक बार ये विश्वास हो जाए कि आज से 4 साल बाद साला जिंदगी तो अपनी भी ऐसी होने वाली है यार। आज से 4 साल बाद योगेश यादव जैसी होंडा सिविक तो अपनी भी आएगी। आज से 4 साल बाद चौधरी साहब की तरह स्टेज से मैं भी एक दिन दाड़ूंगा यार। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि नहीं? पहला चरण है। जुनून की हद तक चाहत रख सकते हो उस चीज की कि नहीं? दूसरा चरण है। ये जुनून को खत्म ना कर पाए कोई, वास्तव में अपने सपनों पर भरोसा कर सकते हो कि नहीं? तीसरा चरण है, और पूरे मनोयोग से उसे पाने के लिए काम करते रहो, सफलता निश्चित है। लिख के ले लो, लिख के ले लो। क्रिस्टोफर रीव को देख रहे हैं आप इस टाइम, जब सुपरमैन
के नाम से आपने काफ़ी पिक्चर देखी होंगी, देखी है ना सुपरमैन, उड़ता हुआ, ये करता हुआ, ये सब देखा है आपने। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो बात शायद आपको आज से पहले पता नहीं होगी। क्रिस्टोफर रीव सुपरमैन की फिल्मों की अपार सफलता के बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये इसलिए सफल हुआ है क्योंकि इसकी शक्ल कार्टून जैसी है। क्या है? किसी आदमी की परफॉर्मेंस का सबसे भद्दा मजाक है ये। कोई बोल देता है कि शर्मा जी आपकी तो किस्मत बहुत बढ़िया है सर, और जो कुछ भी हो रहा है ना किस्मत है सर आपकी। मुझे बताओ वो किस्मत जब कहाँ थी जब मोटरसाइकिल फाइनेंस नहीं हो रही थी? क्यों? वो किस्मत जब कहाँ थी जब मेरे घर पे पड़ी हुई टीन चिचाती थी और मैं उसके छेद नहीं भर पाता था? किस्मत कोई होती है क्या? कुछ क्या होता है? हमेशा प्रदर्शन होता है। परफॉर्मेंस क्या है आपकी? लेकिन असली हीरो की पहचान हुई तब जबकि इसने अपनी पिक्चरों का अवार्ड जीतने के लिए 20,000 आदमियों के सामने जब इस आदमी को बुलाया गया, और ये आदमी आप खुद देखो व्हीलचेयर पे आया, रियल में हीरो था ये पता चला। क्यों? क्योंकि ये आदमी को यहां गर्दन के पास एक चोट लगने के कारण इसका नीचे का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, और इसको होने के बावजूद इसकी जो लास्ट पिक्चर इसने बनाई थी उस पिक्चर को फिल्म फेयर अवार्ड, जो कि सबसे पहला अवार्ड था, वो मिला था, और इसको 20,000 आदमियों के बीच में बुलाया गया। जब उन सब लोगों ने जो कि बोलते थे कि इसकी शक्ल कार्टून जैसी है, उन सब लोगों ने बोला कि ना रियल लाइफ का हीरो नहीं है ये, रियल लाइफ का हीरो नहीं है ये रियल लाइफ का हीरो है। क्योंकि हीरो है इसीलिए इस स्थिति में भी अपने आप को मोटिवेट रख पा रहा है, अपने बारे में पॉजिटिव सोच पा रहा है, अब भी इसमें जुनून है, अब भी इसमें काबिलियत है, अब भी इसमें वो सब बातें हैं। समझ में आ रहा है? दुनिया के अमीर आदमियों में शुमार बिल गेट्स भी 16 से 18 घंटे मेहनत करते हैं। आप सोचते होंगे कि एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया होगा तुक्का लग गया होगा, कंप्यूटर हुआ नहीं करते थे, सब लोगों को जरूरत थी, सब ने जाके पकड़ लिए, खरीद लिए, माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली होती थी और इसलिए वो आदमी अमीर बन गया। लेकिन उसके धंधे की सच्चाई को जान के देखो कि आज जो सॉफ्टवेयर बनता है अगर अगले 3 महीने में उस सॉफ्टवेयर का अपग्रेड वर्जन ना आए तो ये कंपनी के 3 महीने में शेयर डाउन आ जाते हैं। इस आदमी की मेहनत के बारे में सोच के देखो, 16 से 18 घंटा ये आदमी सिर्फ बैठकर ये सोचता है, ये काम करता है, ये परफॉर्म करता है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को मेंटेन कैसे करूं, अपग्रेड वर्जन कैसे लाऊं, नई नई चीजें कैसे लाऊं जिसकी वजह से मेरी कंपनी चले। इतना बड़ा आदमी जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित है कि बिल गेट के पास आज इतनी दौलत है कि उसका अगर एक डॉलर गिर जाए उस डॉलर को उठाने में उसको उतना टाइम लग जाता है जिस टाइम में उसके पास उससे 20 गुना डॉलर आ जाते हैं। उस आदमी के पास 16 से 18 घंटा मेहनत करने का टाइम है, उस आदमी को अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने का टाइम है, उस आदमी को मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाने का टाइम है। लेकिन हमको अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ बहाने हैं। एक आदमी इतना बड़ा आदमी होने के बाद इसके बारे में एक और कहावत प्रचलित है कि बिल गेट्स के पास इतनी दौलत है कि वो अगर मोमबत्ती लेके एक एक डॉलर को अपने हाथ में लेके और जलाता रहे इसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसकी संपत्ति खत्म नहीं होगी, इसके पास इतनी दौलत है। इस दौलत के बावजूद ये आदमी 16 से 18 घंटे रोज मेहनत कर सकता है, क्या हम नहीं कर सकते? परफॉर्मेंस नहीं सुधार सकते? क्या अपनी परफॉर्मेंस पर हमको काम नहीं करना चाहिए? क्या हमको 16-18 घंटे मेहनत नहीं करनी चाहिए? लेकिन क्या इस आदमी का ये सब बातें सुन के हमारा खून खोल रहा है कि नहीं, बताओ? रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि नहीं?
मेलकम ग्लैडवेल ने अपनी पुस्तक, जो कि इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी लाखों प्रतियां बिकी हैं, आउटलायर्स, आउटलायर में लिखा है कि मनोवैज्ञानिक के एंडर्स एरिक्सन ने 1990 में अकेडमी ऑफ म्यूजिक के संगीतकारों पर शोध किया था एक, और उस शोध में उसने पता लगाया था कि कोई भी आदमी जबकि विश्व स्तरीय प्रदर्शन देता है, कोई भी आदमी जबकि विश्व स्तरीय कोई प्रदर्शन देता है जिसके लिए लोग तालियां बजाते हैं, पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं और उसका नाम टॉप पर ले जाके रख देते हैं, उसके पीछे कुछ तो ऐसी बात होती होगी जिसकी वजह से उसका विश्व स्तरीय प्रदर्शन बनता है। आप क्या सोचते हो? होती होगी ना। और शोध करने लायक चीज थी कि नहीं थी? इस मनोवैज्ञानिक ने एक चीज पाई, उसके अभ्यास के 10,000 घंटे। हर वो आदमी जो कि विश्व स्तरीय प्रदर्शन करता है, वो आदमी 10,000 घंटे अभ्यास कर चुका होता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम हो, उसमें 10,000 घंटे का अभ्यास लगता है। क्या हमको 10,000 घंटे का सिक्योर लाइफ का अभ्यास है? नहीं है। क्या हमारी इस तरीके की परफॉर्मेंस है? क्या हम इतनी परफॉर्मेंस के लिए मेहनत कर रहे हैं? कैसे होगा वो सब जो हम चाहते हैं, बताइए, होगा क्या? तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको भी लगेंगे अभ्यास के कितने घंटे। कोई बोले कि सर मुझे स्टेज से बात करने में तकलीफ होती है, मैं बोलता हूं 10,000 घंटे खड़ा होकर बात कर, तू साला पागल कर देगा दुनिया को। सिर्फ 10,000 घंटे चाहिए, 10,000 घंटे खड़ा तो हो। कोई बोलता है कि सर मुझे कार की ड्राइविंग नहीं आती है, मैं बोलता हूं 10,000 घंटे जिस दिन तू कार चला लेगा ना, कार चलाने का मास्टर हो जाएगा, तू पट्टी बांध के कार चला सकता है। किसी भी चीज को परफेक्ट बनाने में लगते हैं 10,000 घंटे, और 10,000 घंटे का अगर आप प्रदर्शन कर सकते हो, 10,000 घंटे अगर आप जुनून के साथ काम कर सकते हो, 10,000 घंटे के लिए अगर आप दीवाने हो सकते हो, 10,000 घंटे का पागलपन अगर आप में है, तो 10,000 घंटे में आप अपने प्रदर्शन को विश्व स्तरीय प्रदर्शन बना सकते हो, जिसके लिए सब तालियां बजाएंगे, सब पागल हो जाएंगे, सब दीवाने हो जाएंगे। तैयार हो कि नहीं, बताइए। किसी भी चीज को जिसको आप आज कर रहे हो, अगर आपको छुटपुट करना आ गया है तो आप ये मत समझिए कि मुझे वो आ गई है, क्योंकि उसमें 10,000 घंटे के परफॉर्मेंस की गुंजाइश है। अगर आप बाइक चलाते हो, 10,000 घंटे चलाने के बाद परफेक्शन आएगा। अगर आप प्लान देते हो, 10,000 घंटे प्लान देने के बाद परफेक्शन आएगा। अगर आप ट्रेनिंग देते हो, 10,000 घंटे ट्रेनिंग देने के बाद परफेक्शन आएगा। और जिस दिन वो परफेक्शन आएगा, उस दिन जो आपका प्रदर्शन होगा, वो प्रदर्शन विश्व स्तरीय प्रदर्शन होगा। पागल हो जाएंगे लोग, दीवाने हो जाएंगे लोग। तो इसलिए जल्दी शुरू करिए, जिससे आप भी पा सकें अभ्यास के। ऐसा ना हो जाए कि बहाने बनाते बनाते हम पे जीवन ही नहीं बचे 10,000 घंटे। ऐसा ना हो जाए कहीं गलती में कि बहाने बनाते बनाते हमारी जिंदगी ही ना बचे 10,000 घंटे, जिसमें हम कोई भी एक प्रदर्शन ना कर पाए 10,000 घंटे का, वो बेहतर प्रदर्शन, वो विश्व स्तरीय प्रदर्शन, जिसको करने के लिए एक्चुअली भगवान ने हमको भेजा है। समझ में आ रहा है? मेरी बातें दिल में जा रही हैं कि नहीं? वॉरेन बफे, जो कि एक वित्तीय मामले में, वित्तीय अगर मैं बात करूं उनकी फाइनेंशियल स्टेटस की, तो एक बहुत बड़े महान आदमी हैं और बहुत अमीर आदमी हैं, मल्टी मिलेनियर हैं, मारती हैं वित्तीय मामले के। उन्होंने अपना पहला शेयर 11 साल की उम्र में खरीदा था। क्या इनको शेयर खरीदने का 10,000 घंटे का अनुभव होगा कि नहीं, बताइए? इसलिए वॉरेन बफे बफे है और हम वॉरेन बफे नहीं है, क्योंकि इनको लगे हैं अपने अभ्यास के 10,000 घंटे। बिल गेट ने सॉफ्टवेयर का पहला अंश 13 साल की उम्र में लिखा था। सॉफ्टवेयर जब पहली बार उसने लिखा था, 13 साल की उम्र में लिखा था। इतना जुनून था कि एकेडमिक एजुकेशन लेने का जुनून नहीं था, सॉफ्टवेयर लिखने का और बनाने का जुनून था, इसलिए हाई स्कूल में ड्रॉप आउट हो गया था। लेकिन क्या इसने अपने अभ्यास में लगाए हैं 10,000 घंटे?
जब वो 15 साल का ही था, गुजरात के खिलाफ मुंबई की ओर से खेलते हुए अपना पहला नावाज शतक बनाया था और 30,000 रन तक का रिकॉर्ड बना दिया है, क्या इसने अपने अभ्यास में लगाए हैं 10,000 घंटे? क्योंकि सचिन को अमिताभ बच्चन ने देश की धड़कन कहा है, क्योंकि वो जब तक खेलता है दिल धड़कता है, खेलना बंद दिल धड़कना बंद। दुनिया को केवल उनकी उपलब्धि दिखाई देती है, ये नहीं दिखाई देता है कि जब सचिन की उम्र के बच्चे अपने बचपन की खुशियों का आनंद ले रहे थे, जब सचिन दिन दिन भर लगातार मेहनत करके वो 10,000 घंटे का अभ्यास कर रहा था। मनीराम शर्मा जो कि अलवर के दूरदराज गांव के एक बिल्कुल भी सुन नहीं पाते थे, अलवर के पास के दूरदराज गांव के रहने वाले हैं मनीराम शर्मा, जो कि सुन नहीं पाते थे, 100% श्रवण विकलांगता थी। 10वीं में मेरिट में आए, 12वीं में मेरिट में आए, पीएचडी किया, लगातार मेहनत करके आईएएस बन गए। इन्होंने लगाए हैं अपने अभ्यास के 10,000 घंटे। अलवर वाले जानते नहीं होंगे, इंटरनेट पर जाइएगा, आईएएस डालिएगा और अलवर आईएएस डालिएगा, मनीराम शर्मा का सबसे पहले नाम निकल के आएगा। राजस्थान आईएएस डालिएगा, मनीराम शर्मा का नाम निकल के आएगा। क्या इन सब ने लगाए हैं 10,000 घंटे? क्या हम भी लगा सकते हैं 10,000 घंटे? हैं? 10,000 घंटे तक जुनून रह सकता है? 10,000 घंटे तक पागलपन रह सकता है? 10,000 घंटे तक पॉजिटिव रख सकते हो अपने आप को? और 10,000 घंटे का अभ्यास कर सकते हो? 3 P पूरे हो जाते हैं हमारे। चौथा पी है परसीवरेंस, निरंतर प्रयास, लगातार कोशिश। दुनिया में वही फेल होते हैं, वे लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं जो लगातार कोशिश नहीं करते। जिस दिन कोशिश करना बंद होता है, एक्चुअली हार उसी दिन होती है। जब तक आप कोशिश करना जारी रखे हैं, कितनी ही बार आप हारे हो लेकिन आप असफल नहीं हुए हैं। हारना असफल होना दोनों बातें अलग अलग हैं। जिस दिन आदमी असफल होता है, जब वो कोशिश करना बंद कर देता है। क्या लगातार कोशिश की जा सके?